तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर के बारे में और ज़ॉम्बीज के बारे में कि कैसे फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और एक्चुअली जो फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर है वो क्यों बना गया था और क्या वो सही में था कि हम लोग सिर्फ मूवीज के अंदर उसे देखते हैं। अगर सही में था तो हमें ज़ॉम्बीज का एक पूरा हिस्सा ही मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ज़ॉम्बीज बन सकते और क्या सही में ज़ॉम्बीज ऐसे डाकू होएंगे या ज़ॉम्बीज हमारे जैसा ही अच्छे नॉर्मल इंसान रहेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरी ये वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारा मेरे को रिकमेंडेशन आया था और बहुत जन मेरे को कमेंट कर रहे थे कि फुरकान प्लीज़ ज़ॉम्बीज के ऊपर बनाओ। मैंने ठीक है चलो ज़ॉम्बीज के ऊपर बना देता हूँ, एक भी मिनट स्किप नहीं करना वरना मज़ा नहीं आएगा और लोगों को शेयर कर देना ये वीडियो। सबसे पहले तो अगर आप लोग को मालूम नहीं है कि फ्रैंकलिनस्टाइन क्या है तो फ्रैंकलिनस्टाइन एक मॉन्स्टर है जो हम इंसान लोग नहीं उसे बनाए। एक है ना डॉक्टर था जिसका नाम था, खुद का नाम था फ्रैंकलिनस्टाइन, उसने ये मॉन्स्टर के ऊपर नाम दिया है। कहते हैं कि ये इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी है, वैन हेलसिंग, अगर अगर आपको एक रेफरेंस चाहिए मूवी का तो वैन हेलसिंग देख लेना। लेकिन है ना बोलते हैं कि ना ये फ्रैंकलिनस्टाइन एक्चुअल में रियल में बना था बहुत टाइम पहले, जब है ना एक साइंटिस्ट, एक जो डॉक्टर साइंटिस्ट था, डॉक्टर आधा कम आधा साइंटिस्ट था, वो है ना थोड़ा मेंटल हो गया था। वो बोला कि जब इंसान लोग को हम इंसान ही बना पाएंगे तो हम कितने काम इजीली कर सकते, जो हिसाब से आज अभी एआई और रोबोट्स बन रहे हैं वो हिसाब से उसने वो टाइम पे ये सोचा था। तो उसने क्या किया था मालूम है, उसने बहुत सारे एनिमल के पार्ट्स लिया था, बहुत सारे इंसान के हॉस्पिटल से पार्ट लिया था, कोई इलीगल चीज़ नहीं थी, लीगल लिया था उसने। और उसने क्या किया था मालूम है, जैसा हार्ट एक जगह पे रख दिया था, ब्रेन एक जगह पे रख दिया था, कुछ अपने हिसाब से उसने बनाया था, उसने बॉडी पार्ट्स अलग अलग जान के रखा था और एक मिला के एक इंसान बना दिया था जिसे उसने खुद ने नाम दिया था फ्रैंकलिनस्टाइन। अभी जैसे ही वो गांव वाले लोग को मालूम पड़ गया था कि अभी वो टाइम पे ऐसा सिटीज नहीं होती थी गांव, इसलिए मैं गांव बोल रहा हूँ ना, आप लोग बोलोगे फुकन गांव क्यों बोलो, तो वो टाइम पे ऐसा गांव वाले लोग थे, उन लोग बहुत भड़क गए, लोग बोले कि तू गॉड का मतलब तू ऐसा काम कर रहा है जो गॉड हमें नहीं बोलते करने के लिए, तो हम लोग तेको करने देंगे बल्कि तेरा घर जला देंगे और तेको मार देंगे। वो टाइम पे ये सब अलाउड था क्योंकि विचेस और विचक्राफ्ट बहुत ज़्यादा था, जैसा चुड़ैल और ये सब करना, तो लोग उन लोग को है ना मार देते थे। अभी वो चुड़ैल हुए नहीं हुए, लोग मार देते थे। तो है ना अभी ये लोग गांव वाले लोग ने मिलके एक प्लान बनाया कि ये फ्रैंकलिनस्टाइन के घर पे जाएंगे और इसका मॉन्स्टर को भी मार देंगे और इसको भी कब्जे में ले लेंगे। अभी जैसे उन लोग जा रहे थे ना तो एक जन ने टिपिंग दे दिया था फ्रैंकलिनस्टाइन को। अभी फ्रैंकलिनस्टाइन को टिपिंग आ गई तो उसने क्या किया, उसका मॉन्स्टर रेडी होने ही वाला था और जैसे उसने उसका मॉन्स्टर को फटाफट रेडी किया और उसको बोला अभी तू निकल जा और तू आना नहीं, तू आराम से किधर छुप जाना, वो निकल गया, ये बेचारा बच गया। अभी ये फ्रैंकलिनस्टाइन को इन लोग पकड़ने आए, वो पकड़ने में भाग रहा था तो खुद मर गया और जो मॉन्स्टर था उसको भगा दिया था। कहते हैं आज भी मॉन्स्टर वो एरिया में रहता है, मेरे को मालूम नहीं है एग्जैक्टली किधर है, लेकिन अगर मालूम पड़ेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डालूंगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आके जो अनएडिटेड फुटेजेस होती है, जो प्रॉपर भूतों की चीज़ें होती है जो मैं इधर नहीं डाल सकता, मैं वहाँ पर डालता हूँ, हम बात भी करते, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्या किधर थी ये जगह और आज भी दिखता है ये फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर। बोलते हैं ये फ्रैंकलिनस्टाइन मॉन्स्टर हमारा खुद का क्रिएशन है जो इंसान लोग को कुछ लोग बोलते खाता है, बोले कुछ नॉर्मल खाता है, और बोले वो इतना जायंट और इतना ताकतवर है कि हम सबको मार सकता है वो। लेकिन ये एक सबूत है कि हम ज़ॉम्बीज बना सकते, और क्या सही में ज़ॉम्बीज हम मूवीज में देखते हो वो कैसा एड़े जैसे रहते हो, एड़े जैसे नहीं बल्कि हमारे जैसे अच्छे होंगे या हमारे से बेटर हो सकते हैं, मैं आप लोग को अभी बताता हूँ इसके अंदर। अगर आपने ज़ॉम्बीज के ऊपर बहुत सारी मूवीज और टीवी शोज तो देखे होंगे, हमारे इंडिया में भी एक मूवी आई थी सैफ अली खान की, वो गोवा गॉन, बहुत अमेजिंग मूवी थी। उसके बाद मेरे को क्यों नहीं लगता इन लोग ने जॉम्बीज मूवी बनाया मालूम नहीं, बहुत अच्छी मूवी थी वो, तो उसकी पार्ट टू भी बना देते तो चलती। और फिर उसके बाद आपने देखे ऑल ऑफ अस आर डेड आई जो नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली है, वो भी बहुत अमेजिंग थी। वर्ल्ड वॉर जी ब्रैड पिट की, ये सब मूवीज बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन अगर एक मूवी है जिसका नाम है वॉर्म बॉडीज, ये एक्चुअली है ना जॉम्बीज के ऊपर बनाया था, और है ना ये जो हीरो है वो बताया कि अगर वो खुद ज़ॉम्बी, उसका प्रोस्पेक्टिव से बताया कि वो ज़ॉम्बी बन जाता है तो उसके साथ क्या होता है। अभी हमेशा आपने देखे कि कोई ज़ॉम्बी बन जाता है करके खाने आते हैं, मगर वो खाने नहीं बल्कि वो उसके माइंड में सोचता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, मैं क्यों इंसान लोग को ही खा पा रहा हूँ, और वो है ना अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसका हार्ट फिर से पंप करने लगता है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी से फिर इंसान बन जाता है। अभी शायद से हमारे माइंड में ऐसा डाल दिया गया है कि ज़ॉम्बीज आएंगे और ज़ॉम्बीज हमें खाने लगेंगे, लेकिन ज़ॉम्बीज खाने नहीं, हम उसे बेटर कर सकते। या तो फिर अगर आपने ऑल ऑफ अस आर डेड देखे हुए नेटफ्लिक्स का रिसेंटली वाला शो आया है जो बहुत ज़्यादा हिट हो गया, नहीं देखे तो जाके देखो, और अगर आप लोगों को लिंक मिल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर ऐड कर सकते हैं।
तो मैं ना उसके अंदर क्या बताया एंड में के ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अगर जोम्बी अटैक भी कर लेता है ना आपको, तो आपको उसकी सुपर पावर्स मिल जाती है। जैसे जोम्बिस को अगर आप कितना भी मारेंगे, बंदूक से मारेंगे, किससे भी मारेंगे, तो उन लोगों को इतना इफेक्ट नहीं होगा जब तक उन लोगों को ब्रेन पे नहीं लगेगा। अगर ब्रेन पे लग गया तो ठीक है, वरना अगर उन लोग बिल्डिंग से भी खुद ही मार देवे, किधर भी कर देवे, तो उन लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो बताया कि जोम्बिस जब भी काट लेते हैं और एक इंसान को वो मतलब वो नशा नहीं चढ़ता है और सिर्फ बॉडी पे आ जाता है, तो उन लोग को भी बंदूक बंदूक मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन लोग का ब्रेन इंसान जैसा ही चलते रहेगा। उन लोग को सिर्फ एक चीज़ सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो है खाना, और खाना आपको मालूम है इंसान लोग होंगे तो वो है ना। दूसरे इसके ना बहुत सारे अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसा हॉस्पिटल्स में बहुत बॉडीज ऐसी आ जाती तो वो सब कर सकते हैं। तो ये अगर जॉम्बी के लिए अगर आप बोल रहे हो बहुत ज़्यादा डरावना आता है, ये आ गया तो हम मर जाएंगे, ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आ गया तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। हाँ, थोड़े दिन आपको घर में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको घर में खाना वाना सब एक साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप खाना वाना नहीं रखे और आप बाहर जाने की कोशिश किए तो आपको खाना बना देंगे उन लोग, चबा के खा जाएंगे उन लोग आपको। तो इससे अच्छा अगर आपको लगता है ऐसा होने वाला है तो करो। मेरे को पर्सनली लगता है कि हमारे वर्ल्ड में ये आएगी चीज़ ऑब्वियस की, लेकिन ये क्योर भी हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये जब आएगी तो मैं 100% लिख के देता हूँ कि आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी दूसरे दूसरे वर्ल्ड में आना चालू हो गया। मैं वो जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि कैसी हालत हो गई है वाकई। और वहाँ पर उन लोग बोल रहे नहीं, ये टर्म नहीं ले रहे जॉम्बीज का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जॉम्बी जिसको वो बीमारी हो रही है उन लोग है ना, मतलब पुलिस और डॉक्टर्स लोग को मतलब पूरी बिल्डिंगों के बाहर ऐसे बंदूक के साथ खड़े कर दिए। क्योंकि अगर आपको मालूम ऐसे ये बीमारी है तो ये ऐसा क्यों किए, अगर बीमारी है तो नॉर्मली क्योर करो ना। तो ये था प्रूफ फ्रैंकलिनस्टाइन और जॉम्बीज का, कि क्या फ्रैंकलिनस्टाइन आ गए तो जॉम्बीज भी आएंगे, और फ्रैंकलिनस्टाइन है तो वो हमारे पास एक प्रूफ ही है कि जॉम्बीज आने वाले, उसके ब्लड के थ्रू भी बना सकते हो लोग जॉम्बीज, कुछ भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल दवाई खाएंगे जो आपको मालूम नहीं होगा, आप दवाई खा लिए और उसके थ्रू भी आप जॉम्बीज बन सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ हो सकती है। जॉम्बीज एक बीमारी, वो बीमारी आपके सर पर चढ़ जाती है, फिर आप उसको उतार भी सकते हैं, सब प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। अगर आप लोग को ऐसी और वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट करो कि कौन से टॉपिक पे चाहिए। अभी एक जन ने मेरे को रिसेंटली मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट किया था कि भाई हम जो टॉपिक बोलते हो वो तो आप बनाते ही नहीं हो। तो भाई मेरे को आप लोग को बोलना है कि है ना, देखो मेरे को कमेंट्स आप खुद ही पढ़ सकते हो, 100-200 आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा 1000-5000 आते हैं, आते दूसरे जूनी वीडियोज़ पर आते हैं जो वायरल जाती है, लेकिन जो 100-200 कमेंट आते हैं ना उसमें भी मैं ना कितने कमेंट चूज कर सकता हूँ। हर 5 दिन में एक वीडियो बनती है, तो 5 दिन के अंदर एक वीडियो में मैं 100 कमेंट में से एक ही बना सकता हूँ ना, थोड़ी पूरे 100 के 100 बना सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई देने की और आप लोग के कमेंट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाने की, मगर अगर नहीं बन सकता तो माफ़ कर देना मेरे को। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखना है तो सैवेज टू फुरकान पे डालता हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे, अभी मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं फॉरेन कंट्री जाके और व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद व्लॉग्स बनाने, ज़्यादा करके हॉरर पे, तो मैं जाके वहाँ पर वो करूँगा। आप लोगों को कुछ और देखना है, जो भी चीज़ देखना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं 100% बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब 100% मगर बनाने की कोशिश करूँगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपके पास कोई जॉम्बी की न्यूज़ है या कुछ है तो वो भी मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना, या डिस्कॉर्ड पे भेज देना, या इंस्टाग्राम पे भेज देना, किधर भी भेज देना। इंस्टाग्राम के DMs मेरे चालू हो गए।